यहाँ से गुफ्तगु हो रही है। ये रहमत वाली महफिल, ये बरकत वाली महफिल, इस वक्त मैं चाहता हूँ दुनिया के तमाम दरख्तों को कलम में तब्दील कर दिया जाए, दुनिया के तमाम दरख्तों को कलम में तब्दील कर दिया जाए, दुनिया के जमीन और आसमान के पानियों को सियाही में तब्दील कर दिया जाए। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात मुबारक हजरत आदम के बयान से बाहर है। अदब के मैकदे में जाम जम टूटे पड़े होंगे, अदब के मैकदे में जाम जम टूटे पड़े होंगे, तमाम अल्फाज आजिज और भरम टूटे पड़े होंगे। अमी आसा नहीं है नात शाहे अंबिया लिखना, समुन्दर सूख जाएंगे कलम टूटे पड़े होंगे। अमी आसा नहीं है नात शाहे अंबिया लिखना, समुंदर सूख जाएंगे कलम टूटे पड़ेंगे। इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूँ बहुत अदब के साथ कि जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, अनासिर में ज़हूर व तरतीब, जिंदगी क्या है, अनासिर में ज़हूर व तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी का पैगाम दिया हजरत इंसान को, जिंदगी का खूबसूरत पैगाम। आइए इन चार मिसलों से आवाज दे रहा हूँ, रफी फूलपुरी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ, खूबसूरत आवाज के माहिर, खूबसूरत आवाज के जादूगर। ये बंदा जहाँ जहाँ पढ़ा है सिर्फ सामान्य नहीं मुंतजमीन को भी अपना बनाया। मोहम्मद इमरान साहब हिटलर, उसी के साथ साथ हाजी इरफान साहब, मोहम्मद असलम साहब, मोहम्मद अख्तर साहब, इन तमाम लोगों को दुआएं चाहते हुए उस शायर को हुजूर चल रहा हूँ मैं। मोहम्मद रफी फूलपुरी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ, इन चार मिसलों से आवाज दे रहा हूँ कि ये जिंदगी जमीन के सीने में रह गई। अब इस शेर का लुत्फ लीजिएगा, यहाँ से जिंदगी बन रही है दोस्तों, ये जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीस बन के मदीने में रह गई, फूलों को हुस्न हज़रत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। सुभान अल्लाह की आवाज, सुभान अल्लाह की आवाज बुलंद करें। आइए रफी फूलपुरी साहब को गुजारिश है यहाँ तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाज का शुक्रिया का मौका दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़्म मुशायरा जनाब जमील साहिब साहब और सदर साहब जनाब इमरान अहमद उर्फ हिटलर साहब, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सामईन जनाब अख्तर साहब का कि उनकी काफ़ी मेहनत रही इस मुशायरे के लिए। और आइए बिला किसी तमहीद मैं एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह आप इजाजत देंगे तो मुकम्मल नात सुनाऊंगा। भाई ये बच्चे जो बैठे हुए इसके लिए एक नाज़िम को और इंतजाम करना पड़ेगा। आपका काम सिर्फ सुनना है, आप सुनिए, आप दाद ना दे खामोश बैठिए, आप सिर्फ सुनिएगा, आपका एहसान होगा। भाई खड़े हैं माइक के ऊपर, रफीक फूलपुरी साहब उन्हें समाप्त करेंगे। मेरी रूह का सिलसिला है खुदा के कलाम से, मैं नात पढ़ रहा हूँ मोहम्मद के नाम से। मोहतरम रफीक फूलपुरी साहब माइक पर। आइए सामईन अब बेदारी का सबूत दे दीजिए, बता दीजिए कि हम फूलपुर वाले हैं, नुमाइंदगी करना जानते हैं। जुड़ लीजिए जैसे जैसे आप जमील साहब को सुने जिस मोहब्बत से, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाजिर करता हूँ, पेश करता हूँ मतलब आपकी समातों के हवाले। जमाना लाख दुश्मन हो पर ऐसा हो नहीं सकता, जमाना लाख दुश्मन हो पर ऐसा हो नहीं सकता, जमाना लाख दुश्मन हो पर ऐसा हो नहीं सकता, दुश्मन हो पर ऐसा हो नहीं सकता, जो शैदाए मोहम्मद है वो रुसवा हो नहीं सकता, जो शैदाए मोहम्मद है रुसवा हो नहीं सकता, जमाना लाख दुश्मन हो वो रुसवा हो नहीं सकता, पर ऐसा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक शेर और पढ़ता हूँ और सभी जुड़ लें उसमें, हकीकत बयान कर रहा हूँ। लगे नुकता
मेरे महबूब के नाम मुबारक पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुदा कह रहा है अपने महबूब के बारे में कह रहा है। आप साबित करें। लगे नुकता मेरे महबूब के नाम मुबारक पर, लगे नुकता मेरे महबूब के नाम मुबारक पर। कहा अल्लाह ने कुरान में ऐसा हो नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा अल्लाह ने कुरान में ऐसा हो नहीं सकता, जमाना दुश्मन हो पर ऐसा हो नहीं सकता। लगे नुकता। आइए हजरत मुकम्मल नात पढ़ता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि इस साइड के लोग बहुत बेदार हैं और ये लोग बहुत चुप हैं। ये माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, आप भी जरा सा शिरकत कर लें। ये आपका छोटा भाई मुकम्मल नात पढ़ रहा है, आप जुड़ लें। आइए हाजरीन पढ़ता हूँ। मुकद्दर में मेरे ऐसा अगर होता तो अच्छा था। मुकद्दर में मेरे ऐसा अगर होता तो अच्छा था। मुकद्दर में मेरे ऐसा अगर होता तो अच्छा था। तेरे काबा का दर मेरा ये सर होता तो। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। तेरे काबा का दर मेरा ये सर होता तो अच्छा था। बहुत अच्छे काबा। और ये भी शेर दुआओं के साथ मिलाकर कर। बेशक बेशक। मैं जाकर दश्त तैबा में खराब खार हो जाता। स्टेज पर ऐसी शख्सियत जनाब राही बस्तरी साहब भी तशरीफ फरमा, मैं उनकी भी तवज्जो चाहूंगा। मैं जाकर दश्त तैबा में खराब खार हो जाता। हुनर होता तो अच्छा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हुनर होता तो अच्छा था। तेरे काबा का दर मेरा ये सर होता तो अच्छा था। बहुत अच्छे। अब मेरी बिगड़ी हुई तकदीर भी मौला संवर जाती। मेरी बिगड़ी हुई तकदीर भी मौला संवर जाती। अरे दुआओं में मेरी ऐसा असर होता अच्छा था।
असर होता तो अच्छा था, मुकद्दर में ऐसा अगर होता तो अच्छा था। स्टेज पे कितने शोरा बैठे सभी की शिरकत चाहता हूँ और हिदायत कर, मिश्रा आपके हवाले करता हूँ, हिदायत कर के खुदा है राजी हो जिससे कुर्ब हासिल हो मोहम्मद का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। के खुदा राजी हो जिससे कुर्ब हासिल हो मोहम्मद का, अमल हमसे वही शामों सहर होता तो अच्छा था, अमल हमसे वही शामों सहर होता तो अच्छा था, तेरे काबा का दर मेरा ये सर होता तो था। और इस नात का आखिरी शेर, नहीं तेरे सिवा जाते करीमी और है लेकिन, नहीं तेरे सिवा जाते करीमी और है कोई, करम तेरा जो इस मोहताज पर होता तो अच्छा, करम तेरा जो इस मोहताज पर होता तो अच्छा था, तेरे काबा का दर मेरा ये सर होता तो अच्छा था। और दुआ के साथ मक्ता भी मुलाजा करें, पेश करें ये तमन्ना है रफीक अपनी हयात चंद रोज में, तमन्ना है रफीक अपनी हयात चंद जो किस्मत में मदीने का सफर होता तो अच्छा था, जो किस्मत में मदीने का सफर होता तो अच्छा था।